आगरा में 13 साल से फरार 25,000 के इनामी बदमाश गुट्टू को स्वाट टीम ने दबोचा। आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण में 52,000 मतदाताओं के घर पोस्टल बैलेट पहुंचाएगा चुनाव आयोग। मेरठ में दुल्हन ले जाने के लिए दूल्हे ने रखी बाइक की डिमांड, गुस्साए लड़की वालों ने बनाया बंधक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाक से लगती सीमा पर बने 44 पुलों का किया उद्घाटन, लद्दाख में 7 पुल खुले। ग्रेटर नोएडा में हथियारों के शौक ने 3 दोस्तों को पहुंचाया सलाखों के पीछे, गार्ड से राइफल लूटने वाले छात्र गिरफ्तार। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़ी जनहित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कंपनियों से सामान चुराने वाले 4 साथी चोर पकड़े। किसान बिल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, 6 हफ्तों में मांगा जवाब। प्रयागराज में सपा नेता और हिस्ट्री सीटर राम लोचन यादव की संपत्ति पर चला बुलडोजर, पूर्व MLA बिजमा यादव का है भाई। सीकर से जन्मभूमि विवाद मामला फिर पहुंचा कोर्ट, याचिका में सिविल कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती।